आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं बीफ स्टीम, बहुत इजी और आसान है। बताते हैं आपको बनाने का तरीका, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे बीफ स्टीम। बीफ स्टीम बनाने के लिए 200 ग्राम हमारे पास बीफ का गोश्त है, ये शामिल करेंगे। छोटे छोटे पीस काट लिए थे इसके, इसी के अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 पिंच नमक, 1/2 टीस्पून से कम कचरी का पाउडर या पपीते का पाउडर। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। बीस मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। फर्स्ट एलिमिनेशन इसकी की हमने, इसके बाद सेकंड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसको 20 या 25 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही रख देते हैं। दूसरी लेमिनेशन हम तैयार करेंगे। 1/2 टीस्पून से कम चाट मसाला शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून से कम शामिल करेंगे काली मिर्च, 1/2 टीस्पून से कम हल्दी, साथ में ज़रूरत नमक, पहले भी हमने 2 चुटकी नमक लगाया था, चाट मसाले में भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च इससे पिसी हुई, मिक्स गर्म मसाला ये शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून से कम, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून से कम शामिल करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर ही डाल देंगे और अच्छा से इसको मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर विनीगर भी डालेंगे या इसके अंदर लेमन का जूस भी हाफ डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच। एक पिंच इसके अंदर शामिल करेंगे फूड कलर हसबे ज़रूरत। मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब दोबारा से इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद इसको स्टीम करेंगे। माशाल्लाह से बीफ को हमारे 1 घंटा हो चुका है, इसको अब स्टीम कर लेते हैं। इसके अंदर 3 टेबलस्पून हमने दही भी शामिल की थी, सॉरी बताना भूल गए थे बाद में। इसको अब स्टीम कर लेते हैं। 2 से 3 गिलास हमने पानी शामिल किया इसके अंदर, 2 स्टैंड रखे हमने इसके ऊपर, कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट है इसके अंदर ऐसे छेद किया हमने बारीक बारीक, ऐसे इसको रखेंगे इसके ऊपर, सारी बोटियाँ इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इसको 1 घंटे के लिए हम स्टीम करेंगे। एक घंटे के लिए इसको कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद दोबारा चेक करेंगे इसको, ताकि आंच पे इसको स्टीम करेंगे, या तो उसके ऊपर वज़न भी रख सकते हैं। 1 घंटे पे हमने चेक किया था इसको, तकरीबन हमने 25 मिनट और लगाया था, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गर्म है, फोक से चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये गल चुका है अच्छा सा, डिश आउट कर लेते हैं। 1 घंटा 25 मिनट लग गया इसको स्टीम करने में। माशाल्लाह से हमारा बीफ रेडी हो चुका है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अज़हा के मौके पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी और आसान है, बहुत मज़े की और टेस्टी रेसिपी बनी है। इसे गार्निश कर देते हैं इसकी सुरख मिर्च से। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। ज़रूर ट्राई करना, ईद उलज़ा के मौके पर बहुत ईजी और आसान रेसिपी है। एक पिंच चाट मसाला भी डाल देंगे इसके ऊपर, माशाल्लाह से बहुत मज़े का और टेस्टी गल चुका है ये। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।